हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों में जो कि बहुत खाया जाता है और सबको बहुत पसंद रहता है। हाँ फ्रेंड्स, गाजर का हलवा सर्दियों के मौसम में बहुत बनाकर खाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ, बिना घिसे बिना परेशान हुए आप इस प्रकार गाजर काट इस तरीके से गाजर को कट करके किस तरह गाजर का हलवा बनाएं, जो बहुत इजी तरीके से और फटाफट बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इंडक्शन पर कढ़ाई रख लेती हूँ और अब मैं अपनी गैस को ऑन कर लूँगी। और अब हमें इसमें सबसे पहले डालना है 2 चम्मच घी। बड़ा चम्मच है इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ। अगर आपका घी मेल्ट हो तो आप 2 चम्मच घी इसमें डाल लीजिएगा। गाजर तल के हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। आपने हलवा तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपके घर में सब मांग मांग कर खाएंगे। यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मेरा घी मेल्ट हो चुका है। मैंने ये 1 kg गाजर ली हुई है। आप चाहो तो 1/2 kg भी ले सकते हो, या फिर ज़्यादा बनाना चाहो तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेकर उसमें भी बना सकते हो। तो देखिए, मेरा घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी गाजर और इसे अच्छे से हिला दूंगी। तो देखिए, मैं इसे इसी तरह थोड़ी देर के लिए हिलाती रहूँगी ताकि जो हमारी गाजर है उनमें चारों तरफ से अच्छे से चिकनाई लग जाए। तो देखिए, अब मैं इसे फिर से पलट दूंगी ताकि जो नीचे गाजर है वो ऊपर आ जाएं और जो ऊपर की गाजर है वे नीचे की तरफ चली जाएं। तो अब मैं इसे फिर से ऐसे ही पलट दूंगी। आपको थोड़ी देर के लिए अपनी गाजरों को इसी तरह तलना है। और फ्रेंड्स, ये हलवा बिल्कुल शादियों जैसा, शादियों में आप हलवा खाते हैं वैसा बनकर तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे एक बार ओपन करके इसे फिर से हिला देती हूँ। गाजरों का कलर भी चेंज हो चुका है। हम इसे इसी तरह हिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 kg दूध। तो देखिए, मैंने 1/2 kg दूध लिया हुआ है। धीरे धीरे मैं अपना दूध इसमें डाल दूंगी और इसे इसी तरह हिला दूंगी। अब इसे इसी प्रकार छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और हमारी गाजर अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पहले भी थोड़ा गाढ़ा कर लिया था। अपने दूध को काफ़ी देर तक बॉईल करके तब मैंने इसमें डाला है। इससे हमारा गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। तो इसी कंडीशन पर मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से आपके हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, इसे मैं अपने हलवे में डाल देती हूँ और अच्छे से हिला लेती हूँ। इससे आपका हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। इसमें बिल्कुल शादियों जैसे ही इसमें कंडीशन आ जाएगी, जैसा आप शादियों में गाजर का हलवा खाते हैं वैसा बनकर तैयार हो जाएगा ये। अब हम अपने गाजरों को थोड़ा सा मैश करने के लिए इसमें डालेंगे ये मैशर, जिससे कि हम अपनी गाजरों को थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे ताकि हमारी गाजर के हलवे में हमारी गाजर मोटी ना दिखे। वैसे तो आप इसे कुकर में बना सकते थे, लेकिन अगर कढ़ाई में बनाओगे तो बड़े ही इजीली तरीके से बन जाता है ये। कुकर में भी बड़े ही आराम से बनकर तैयार होगा ये। आपके पास 2 ऑप्शन है, किसी भी उसमें बना सकते हैं आप। कुकर में चाहो तो कुकर में, या फिर इस प्रकार जिस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कढ़ाई में भी इसे बना कर तैयार कर सकते हैं। जो मोटे मोटे इसमें फांक थी गाजर की, उन्हें हम इसे क्रश कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे एक बार हिलाऊंगी और फिर ऊपर से बंद कर दूंगी ताकि इसकी छींटे चारों तरफ ना लगें। लेकिन इस कंडीशन पर आपको इसे हिलाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं। तो बीच में मैं थोड़ा इसे ओपन करूंगी और इसे हिला दूंगी और फिर से इसे इस तरह ढक दूंगी।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूध अच्छे से पक चुका है और हमारी गाजर भी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसी तरह इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं और हमारा दूध अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार मीठा। मैंने एक कटोरी चीनी ली हुई है, इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो देखिए मैंने ये बारीक अपने ड्राई फ्रूट काट रखे हैं, वो मैं अब इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो देखिए शादियों जैसा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो यह देखने में कितना बढ़िया और कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी कंडीशन में आ जाए और खिला खिला बन जाए। तो देखिए हमारा शादी जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। जैसा आप शादी में खाते हैं या होटल से लाकर खाते हैं वैसा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए बिना घिसे बिना कसे हमने अपना गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें दूध भी बिल्कुल कम लगा है क्योंकि मैंने यह आंगनवाड़ी के मिल्क पाउडर से बनाया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखिए